बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं भाई चिकन बिरयानी, और जो है ये तो हमारे घर की स्पेशल फरमाइश वाली डिश है, जो कि एवरी फ्राइडे अगर कुछ भी पूछो तो वो उनकी होती है कि बिरयानी बना दें। तो आज हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं। तो बिरयानी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, मैंने ये 1 kg राइस है, चावल जो कि मैंने 20 to 25 मिनट पहले सोक कर दिए थे, इसी तरह ये 1 kg चिकन है। मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन डाल लें, चाहें तो बीफ डाल लें। तो मैं आपको साथ ही बता दूँगी कि इसको कैसे, अगर आप बीफ या मटन यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। तो ये साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए हमें 1 tablespoon, 2 medium अनियन है जो कि मैंने स्लाइस में काट लिए हैं, और मैंने बिरयानी मसाला बना के रखा होता है इस रमज़ान वगैरह के लिए। तो अभी रमज़ान कल परसों ही एंड हुआ है, आज ईद का 2nd day है। तो हम इसमें जो है, मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने 1 spoon चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, और 1 tablespoon मैंने इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि जो क्रश की हुई चिली होती है, दादुड़ी लाल मिर्च वो डाली है, 1 tablespoon साबुत ज़ीरा डाला है, आधा टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, आधा टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है, ठीक है। इसमें नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको सेट कर ले। मैंने इसमें जो है 1 tablespoon नमक डाला है, ठीक है। फिर इसमें मैंने जायफल जलवत्री डाली है, उसका पाउडर 1 चम्मच, और साबुत गरम मसाला है इसमें, दालचीनी है मैंने थोड़ी एक छोटा स्टिक दालचीनी का डाला है, 10 से 15 काली मिर्चें हैं, 3-4 लौंग हैं, छोटी इलायची है, और बड़ी जो ब्लैक कार्डिमम होती है बड़ी इलायची वो 2 डाली हैं। और आप चाहें तो जैसे मैं ड्राई मसाले के अंदर ही मिक्स करके सूखा हुआ आलू बुखारा भी रखती हूँ, तो मैंने इसमें आलू बुखारा भी 2 से 3 पीस इसके अंदर आलू बुखारे के भी हैं, जो कि ड्राई आलू बुखारा मैं मेरे बच्चे पसंद करते हैं बिरयानी में, तो मैं उसमें ड्राई आलू बुखारा भी ऐड किया हुआ है। और हमें इसके लिए ऑयल भी चाहिएगा। चले आप इसको बनाते हैं। अच्छा जी, ये देखेंगे मैंने कढ़ाही में तेल डाल दिया है, तकरीबन 1 कप तेल डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी डाल दें अगर आप कम खाते हैं तो। दूसरी साइड पे, दूसरे चूल्हे पे मैंने ये पानी, खुला पानी रखा है ताकि जो चावल है बिरयानी के वो खिले खिले बने। और मैं इसमें आपको बिरयानी के चावल जब डन होने लगेंगे तो मैं आपको इसमें एक ट्रिक भी बताऊँगी कि आपकी बिरयानी जो है बहुत ज़्यादा हलवा नहीं बनती बल्कि खिला खिला रहती है। ये देखिए, मैं इसमें अब पानी में चावल डालूंगी। एज यूजुअल जब मैंने आपको पिछली मेरी रेसिपीज़ में भी मैंने आपको बताया था कि जो है चावलों का हमेशा पानी और नमक का हिसाब, तो मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ कि आप जब भी चावल लें, जैसे 1 किलो वो जो है जब मैंने मंगवाए हैं चावल तो वो 1 किलो चावल हैं, लेकिन मैंने जब उसको अपने कप्स में किया है तो वो 3 कप्स थे जो मैंने मग या कप जो भी कहें वो यूज़ किया, वो 3 कप्स बने। तो मैं अब मैंने, लेकिन इसका स्टार्च निकालना है तो मैं पानी तो खुला ले रही हूँ, लेकिन नमक के लिए मैंने अभी तक 3 चम्मच डाले हैं, ठीक है। अब मैं 1 चम्मच और डालूंगी, 4 चम्मच नमक जो है उस 3 कप उसके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। और इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये पानी बॉयल हो जाए। जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर जो है हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। उतनी देर में जो ये हमारा बिरयानी का हम मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये हमारे जो अनियन है स्लाइस किए हुए ये डालेंगे, और इनको हम लाइट गोल्डन
कर लेंगे। डार्क गोल्डन नहीं करना, बर्न नहीं करना, इसको हमने लाइट गोल्डन कर लेना, ठीक है। ये देखिए, ये लाइट गोल्डन जो है आपने करना है, और हमने इसको तेल में डाल लिया है। और इसको जो है ना बीच बीच में चलाते रहिएगा। कई दफ़ा ये होता है कि बीच में से अभी प्याज कच्चा होता है और साइडों से बर्न होना शुरू हो जाता है, तो अगर हम एक दो दफ़ा बीच में चम्मच मार लेते हैं ना, इसको मिक्स कर लेते हैं, तो वो फिर ये होता है कि इक्वली प्याज जो है वो लाइट गोल्डन या ब्राउन में आ जाता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको लाइट गोल्डन करना है। फिर हम इसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। अब ये देखिए जी, ये लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है और मैं बीच में चलाती भी रही हूँ ताकि कहीं से बर्न ना हो। अब हमारा जब ये लाइट गोल्डन हो गया है तो हम इसमें अपना ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये शामिल कर देंगे, ठीक है, एक चम्मच। इसको ज़रा सारा हम यहाँ पर जो है मिक्स करेंगे। देखिए जो बाजारी मसाले होते हैं ना, उनकी अगर आप बिरयानी बनाओ ना तो बस फिर आप फिर उसके बाद जो है सारा टाइम पानी ही पीते रहते हैं, लेकिन अगर आप घर के मसाले मिक्स करके एक जार बना के रख दें तो फिर ये होता है कि वो बहुत जल्दी बन जाते हैं और उससे आपका जो है मुंह ड्राई नहीं होता बार बार। इसमें अब हम चिकन डालेंगे, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल बाजार के स्मेल वाली चाहिए तो फिर इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, के मसाले में जो है हम एक चम्मच, आप शाम का कराची बीफ बिरयानी का जो मसाला होता है वो डालें, अगर आपको बिल्कुल आपके पास जायफल जलगतरी नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो जो बाजारी मसालों में स्मेल होती है वो कई दफ़ा बीच में उनके ना जायफल जलगतरी, उनके इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसमें ना जायफल जलगतरी डला होता है, तो अगर तो आपके पास जो है अपना जायफल जलगतरी है आपने पीस के रखा हुआ है या आप रेगुलर खानों में यूज़ करते हैं तो फिर तो आपको बाजारी मसाले की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी महक होती है कि वो आपको बिल्कुल वही स्मेल मिलती है होती है जैसे आपने बाजारी मसाले यूज़ किए होते हैं। तो अगर फिर भी किसी का दिल करे कि नहीं मैं थोड़ा सारा हमने डालना है तो आप एक चम्मच डाल लें, एक चम्मच पूरे खाने में आपको इस तरह आप प्यास नहीं लगाता जिस तरह के अगर आप पूरा पैकेट या हाफ पैकेट डाल के पकाएं तो उससे प्यास लगती है, लेकिन घर के मसाले अगर आप मिक्स करके रख लें तो वो आपके लिए वो ही काम करते हैं कि एक दफ़ा की मेहनत तो होती है लेकिन ये है कि फिर उसके बाद आप इजीली उसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप बाजारी मसाले का पैकेट खोला तो बीच में डाला और जबकि ये बना के रखा हो तो आपने डब्बा खोला और बस आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो जो बिल्कुल जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है या कुकिंग सीख रहे हैं वो उनके लिए एक तरीका ये है कि आप एक एक केजी के हिसाब से चम्मच का पहले थोड़ा सा रब बना लें, बना के और आप उसको देख लें कि इसमें एक केजी के हिसाब में जो चीज़ें हमने ऐड की हैं, जैसे मैंने आपको एक केजी के हिसाब से चीज़ें बताई थी मसाले के, एक चम्मच नमक मैंने डाला है और इसी तरह एक चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है, एक चम्मच बड़ा जो चम्मच है वो चिली फ्लेक्स डाले हैं, तो वो जब आप एक दफ़ा एक बना लेंगी तो उसके बाद आपको मेयर करने में कि अच्छा इतने चम्मच हमें एक ये इतना बना है और अगर हम मसाला ये बना के रख लेते हैं तो हमें जो है इतने चम्मच जो है इसमें डालना है। मैं आपको मसाला डालते हुए वो भी दिखा दूँगी। ये देखिए, ये जो है चिकन का कलर चेंज हो गया है, ठीक है, और लहसुन अदरक के साथ
अब ये नहीं है कि हमने चिकन को गोल्डन करना है, कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे ही बस उसका बस जैसे ही कलर चेंज हो तो हम यहाँ पे अपना ये जो बिरयानी मसाला है ये डालेंगे। ये देखिए मेरे पास टेबल स्पून है जिससे हम लोग चावल वगैरह खाते हैं, और ये देखिए ये एक चम्मच, ये दो चम्मच, इसमें ये देखिए मैंने आपको कहा था जो मैंने दो तीन वो भी डाले थे ड्राई फ्लाम, ये वो हैं, ये डाल दिए तीन, दो चम्मच अभी मसाला बन गया, ये तीन चम्मच, ये देखिए ये दालचीनी के टुकड़े हैं, ये ब्लैक कार्डिमम है, और तकरीबन ये चार साढ़े चार चम्मच जो है ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। और अगर जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है अगर आप उसको मिक्स करके देखेंगे तो इतना ही तकरीबन बनेगा, क्योंकि एक चम्मच तो इसमें चिली फ्लेक्स का ही है और बाकी मसाले भी मिला के जो है ये चार साढ़े चार चम्मच जो है बन जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फोल्डिंग टेक्निक के साथ, ठीक है। तो अब इसको ज़रा ज़रा हम भूनने देंगे, फिर इसमें हम डालेंगे पानी ताकि जो है चिकन इसमें गल जाए। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि अगर हम मटन या बीफ इस्तेमाल करते हैं बिरयानी बनाने के लिए, मटन बिरयानी बनाते हैं या बीफ बिरयानी बनाते हैं तो उसको किस तरह करेंगे। सेम प्रोसेस है, इसी तरह जब हम डालेंगे लहसुन अदरक के साथ मटन या बीफ उसको थोड़ा सा हम ज़्यादा भूनेंगे, ठीक है। इसका चिकन का हमने कलर चेंज किया था लेकिन उसको हम थोड़ा सा इतना कर लेंगे कि उसका पानी ड्राई हो जाए, जो गोश्त पानी छोड़ता है वो ड्राई हो जाए, ठीक है। क्योंकि चिकन को अगर हम देखते हैं कि इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है या वो करना है तो उसमें ये चिकन गल जाता है, तो आगे के प्रोसेस के लिए फिर वो चिकन फूट जाता है। लेकिन अगर आप मटन या बीफ डाल रहे हैं तो आप उसके जो है उसको भूनते हुए मसाला डालने से पहले उसका गोश्त का जो अपना पानी छोड़ता है गोश्त वो कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे, और जब ऑयल छोड़ देगा तो फिर उसमें हम अपना मसाला डाल के उसको एक दो मिनट के लिए इसी तरह भूनेंगे। अच्छा जी सॉरी, बीच में वो वीडियो खुद ब खुद रिकॉर्ड होनी स्टॉप हो गई थी तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, यू नो जब इस तरह का कुछ होता है तो वो रिवर्स ही हो सकता है। अच्छा मैंने जब आखिरी बात जब तक रिकॉर्ड हुई थी वो ये था कि जब ये उनका गोश्त का पानी सूख जाए तो फिर हमने ये मसाले डालने हैं और फिर उनको भूनना है। अब ये चिकन था देखें, तो मैंने जो है चिकन को में एक कप पानी डाला है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने कौन सा वाला कप पानी डाला था, एक मग ये वाला, ठीक है, जो चाय का नॉर्मल मग होता है वो मैंने एक मग पानी का डाला था, ठीक है। चिकन को बहुत तरीके से बनाना पड़ता है ताकि जो है वो टूट ना जाए, और वो है तो आप अगर कुकर में बना रहे हैं वो गोश्त और बीफ को, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप दम पे उसको गोश्त को गलाएं तो फिर आपने इतना पानी डालना है कि वो जैसे ये समझेंगे गोश्त है तो इसको कवर कर दे, ठीक है। और उसको जितना भी आपके उसमें टाइम लगता है, यूजुअली 15 मिनट्स से 20 मिनट में गोश्त गल जाता है, तो वो उसको प्रेशर देके तो वो रेडी होगा, ठीक है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट में ये चिकन रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उतनी देर में हमारे जो चावल हैं उनका पानी बॉयल हो जाएगा और फिर हम उसमें चावल डालेंगे। अच्छा ये देखें ये पानी बॉयल हो रहा है, इसकी पहचान ये होती है कि ये ढक्कन के साइडों से जो है ना धुआं सा वो बाहर को आना शुरू हो जाता है, और ये देखिए ये पानी बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें अपने जो है राइस डालेंगे, ये जो आपको पिंक पिंक लग रहा है क्योंकि मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ तो उसकी वजह से है। अब हम ये जो हमारे 1 kg के करीब राइस है ये मैं इसमें डाल दूँगी,
ठीक है। और मैं हमेशा जो है राइस को फुली डन कर लेती हूँ, भले दावत हो या दूसरी तरह। जो मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि भाई जो है एक एक खिला खिला जाना रहे। और अगर क्योंकि जो नए लोग बनाते हैं उनके लिए ये आसान तरीका होता है, कई दफ़ा उनसे ज़्यादा दम एक कनी वाले को हो जाता है। अगर तो आप चाहें तो एक कनी रख लें और फिर उसको जो है दम में फुली डन करें। लेकिन अगर आप सिर्फ चावल ख़राब हो जाते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप फुली इसको डन कर लें चावलों को, और फिर हम इसको जब लेयरिंग करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने ये चिकन रेडी हो गया है, पानी ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट। इसका हमने कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है। मैंने एक कप पानी डाला था तो तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा ड्राई हो गया है, और हम इतना पानी इसमें रखेंगे, ठीक है। इतना इसको जो है इसका मसाला लिक्विड ही रखेंगे ताकि जो है हम इसमें बिरयानी, देखें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही पानी पानी हो, तो इस तरह। और अगर आप एक कनी चावल रखते हैं तो फिर तकरीबन जितना पानी डाला है उससे आधा तकरीबन ड्राई हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने चिकन बिरयानी के लिए एक कप डाला था तो हाफ कप जो है वो ड्राई करके, तो जो हाफ कप का मसाला बनेगा वो हम रख लेंगे। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, ठीक है। उतनी देर में हमारे राइस जो है डन होंगे, जो कि इधर साइड पे हो रहे हैं, ये देखिए। और ये जब बॉयल हो जाएंगे, अच्छा कवर करके राइस नहीं बॉयल करते, कवर करके आप बॉयल करेंगे ना, एक तो चावल पूरी बॉयलिंग के दौरान भी बीच में टूट जाएगा। देखिए ये बहुत छोटी छोटी सी टिप होती हैं जो कि और टेक्निक्स होती हैं जो कि जो है ना आपके खाने को बर्बाद भी कर सकती हैं और उसको बर्बादी से बचा भी सकती हैं। अगर हम ख्याल ना करें तो वो खाना जो है हमारा वो ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करें तो हमारा खाना बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो ये हम इसको कवर नहीं करेंगे, इसको इसी तरह बॉयल करेंगे। तो हम फिर आगे देखते हैं उसमें, हम फिर उसकी से अगला स्टेप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब ये चावल जो है मेरे बॉयल हो गए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना लंबा लंबा चावल बना है। और अगर हम इसको मैश करके देखें तो ये कम्प्लीटली, ये देखिए कितना लंबा लंबा चावल बना है, और अगर हम मैश करें तो ये बिल्कुल कच्चे हैं, ठीक है। ये मैंने फुली डन रखे हैं। अगर आप चाहें तो इसको जो है एक कनी भी रख के और उसमें मसाले में थोड़ा पानी ही ज़्यादा रख के तो फिर करते हैं। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। अच्छा ये देखिए, मैंने जो चावल हैं उनका पानी ड्रेन करने के लिए उसको स्टेनर में डाल दिया है, और अब हम इसी पतीले में, ये नहीं कि इसको धोना है कुछ करना है, इसी तरह इसी पतीले में ये जो हमारे चिकन का मसाला था ये हम इसे नीचे डाल देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से हम अपने बर्तन को साफ करके उसका वो निकाल लेंगे मसाला सारा, ठीक है। और इसको हम इक्वली स्प्रेड कर देंगे ताकि हर जगह पे मसाला, ये नहीं कि मसाले का ढेर एक जगह पे लग जाए, ठीक है। बीच में चावलों के डालने से ये होता है कि वो कुछ चावल ज़्यादा सोगी हो जाते हैं और कुछ कम। तो अब ये हो गया, अब हम इसमें जो हमारे चावल स्टेनर में थे हम देखें वो डालेंगे इसमें। हम आधे घंटे करके डालेंगे, पहले डालें, अब इनको हम स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर अगर आप खड़ा हरा मसाला डालना चाहें, ग्रीन चिली, सिलेंट्रो और बाकी चीज़ें जो है लेमन के स्लाइसेस,
हमारे घर में वो फ्रेश फ्रेश सर्व किए जाते हैं, ऊपर डाल डाल के सब खाते हैं, इसलिए हम लोग सर्विंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। तो बाकी हम इस तरह ये सारे चावल डाल देंगे। अब इसको हमने इक्वली स्प्रेड कर दिया। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि ये पूरी डन है, तो ना हम कोई पानी डालेंगे, ना हम ऑयल डालेंगे। कुछ लोग बिरयानी बनाते जो है वो ऑयल ऊपर से डाल देते हैं, मसाले का वो नहीं डालेंगे। हम जो कलर है उसको भी पानी में मिक्स नहीं करेंगे, बस वैसे ही ड्राई, जो मेरे पास ड्राई पाउडर है, हम उसको इस तरह डाल देंगे। और अब हम इसको चूल्हा चलाएं, थोड़ी देर दम पे दे देंगे। ये अपने स्टीम में ही ये जो कलर है वो भी हो जाएगा और चावल जो वो है, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, अब हमने 5 मिनट पहले दे दिया था, अब हम इसको मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग की टेक्निक देखें, हमने उठाए चावल साइड से ले जाके और इस तरह करके इस तरह हल्का हल्का शेक करेंगे। ठीक है, ये भी इस तरह सारे मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, देखिए सारा मसाला हर जगह पे, ये फोल्डिंग टेक्निक। अगर आपके मेहमान आ रहे हैं और वो, तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है फ्रेश जो है कोरिएंडर, सॉरी सिलेंट्रो और ग्रीन चिली फ्रेश फ्रेश काट के ऊपर डालें। मैं क्यों नहीं बीच में डालती, उसकी वजह यह है कि जब आप स्टीम में हरा धनिया यानी कि सिलेंट्रो डालते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है, तो फिर बच्चे जो है उसको पसंद नहीं करते खाना। तो अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उनका बहुत फ़ायदा होता है, उन्हें बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे हैं और बेशुमार वो चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से वाइट रखूँगी ताकि जो जब मैं यहाँ से डालूँ फिर उस साइड से थोड़े से ऊपर डिश में जो है वो करूँ, तो वो उससे ये है कि वो ब्लैक नहीं होता। तो जब आप चावल डिश में डाल रहे होते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन सिलेंट्रो यानी कि हरा धनिया और ग्रीन चिली डालें तो वो उसका तो कुछ और ही टेस्ट होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को दबाएं और मेरी वीडियोस को शेयर करें। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।